एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पाठ 7 नीति के दोहे के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। तो उचित पंक्ति है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। प्रश्न 2, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तो तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। प्रश्न 3, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। इन पंक्तियों को पढ़कर निम्न प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न है, हमें गुण दोषों के मिश्रण से गुण किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। तो उत्तर है, हमें हंस की तरह जैसे वह दूध पानी के मिश्रण से पानी छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है, हमें भी गुण दोष में से गुण ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न 4, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो कबीरदास ने बुराई करने वालों को निकट रखने को कहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये व्याख्या कविवर वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने ऊपर नीचे होने से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर व गुणी बन सकता है। अतः मनुष्य को किसी भी कार्य में वांछित सफलता की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। तो रहीम जी ने जड़ को सींचने से वृक्ष के अन्य भागों की देखभाल नहीं करनी पड़ती है और वे खुद ही सद जाते हैं। प्रश्न 7, नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई है, खोज कर लिखी है। तो नीति के दोहों में अनेक नीतिगत बातें कही गई है, बिना सोचे समझे कोई कार्य न करें। हमें ज्यादा बोलना और ज्यादा चुप रहना तकलीफ दे सकता है। वृक्ष की तरह परोपकार करना सीखें। हमें खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। लगातार प्रयास हमें उस कार्य में निपुण बनाता है। मनुष्य का तन मन में जैसा वह सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। प्रश्न 8, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। तो उचित पंक्ति है, बोया पेड़ बबूल का अंब कहां से होए, अंब कहां से खाए। प्रश्न 9, पाप और भटरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए, वो चींटी अंडा लेकर चले तो वर्षा होने की संभावना होती है। प्रश्न 10, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों से कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो यह है दोहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोय। तो इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका मतलब अपनी अंतरात्मा में खोजा तो मुझसे बुरा नहीं कोई इस संसार में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।